नमस्कार दोस्तों, आने वाली बांग्लादेश श्रृंखला के लिए टीम इंडिया में हुआ जातिवाद के बल पर भारी फेरबदल, क्या है ये मामला, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले वनडे मैच में संजू सैमसन, शिखर धवन, सुमन गिल और श्रेयस अय्यर की शानदार बल्लेबाजी को तो आपने देखा ही होगा। इन सभी बल्लेबाजों ने अपनी हाफ सेंचुरी बनाई थी, लेकिन ऋषभ पंत निकले फिर से फसड्डी, उल्टा सीधा शॉट मारकर 15 रन बनाकर वह चलते बने। लेकिन सिलेक्टरों ने आने वाली बांग्लादेश श्रृंखला के लिए ऋषभ पंत को दोबारा सिलेक्ट कर लिया है। पता नहीं ऋषभ पंत पर इतना रहम क्यों आ रहा है सिलेक्टरों को, उन्होंने उसकी क्या ऐसी बल्लेबाजी देखी जो उसको बार बार सिलेक्ट किया जा रहा है। धाकड़ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को इस श्रृंखला के लिए बाहर कर दिया गया है, जबकि उनकी T20 में शानदार परफॉर्मेंस को देखिए, क्या उन्हें शानदार बल्लेबाजी की थी, लेकिन फिर भी उन्हें इस श्रृंखला के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया। साथ ही शोएब अख्तर की तरह सबसे तेज़ गेंद फेंकने वाले उमरान मलिक को भी बांग्लादेश श्रृंखला के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया, जबकि T20 श्रृंखला में फेल रहे रोहित शर्मा और के राहुल को बांग्लादेश श्रृंखला के लिए टीम में सिलेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया में खिलाड़ियों का सिलेक्शन जातिवाद को देखकर होता है? क्या सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन जैसे महान खिलाड़ियों का सिलेक्शन ऐसे ही होता रहेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।